हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्ट्रोन गेमिंग में। और आज हम गेम प्ले टेस्ट करने वाले हैं डिसोनर्ड का। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्ट्रोन गेमिंग में। और आज हम गेम प्ले टेस्ट करने वाले हैं डिसोनर्ड। इंटेल कोर i3-6100 मतलब 6th जनरेशन प्रोसेसर और 8 GB RAM DDR4। तो इस पे हम गेम प्ले टेस्ट करेंगे। और पहले मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ कि सेटिंग्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1080p। हम वी सिंक भी ऑन कर सकते हैं, तो हम वी सिंक भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, हमने वी सिंक भी ऑन कर ली है। और इसके बाद हम यहाँ पे हाई कर लेते हैं और इससे भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये सेटिंग सही है। ठीक है, और राइट साइड टॉप पे आप FPS देख सकते हैं कि कितने FPS मिल रहे हैं। और मैं इसके साथ आपको टेम्परेचर भी बता जाऊंगा CPU और GPU का, और रैम यूजर से बता जाऊंगा कि रैम कितनी यूज़ हो रही है और CPU परसेंटेज कितना है, कितना यूज़ हो रहा है CPU। तो i3 है तो उस हिसाब से मैं बता जाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको राइट साइड टॉप पे दिख रहे हैं करीबन 50-55 तक जा रहे हैं FPS। तो ये तो रिकॉर्डिंग करते वक्त हमें कम FPS मिल रहे हैं, आपको ज़्यादा FPS ही मिलेंगे। करीबन 60 FPS तक हमें मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया FPS मिल रहे हैं। तो 1080p पे आप इसे गेम को आराम से खेल पाएंगे, नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि करीबन 2 GB के आसपास ही रैम यूज़ हो रही है और CPU भी करीबन 50% के आसपास ही यूज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं। Okay.
तो दोस्तों गेम तो काफी बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों हमने इसे 1080p पे चेक कर लिया है, काफ़ी बढ़िया FPS मिल रहे हैं। अब हमें सेटिंग चेंज करके देखनी चाहिए। अब इसे हम 900p पे भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे हमें कितने FPS तक मिल सकते हैं। तो 1600 900, तो अब हम सेटिंग्स में भी चेक कर लें और बाकी हम सब वही रन देते हैं। तो यहाँ पे हमें 60 FPS दिख रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ खास डिफरेंस आया है। बाकी रिकॉर्डिंग करते वक्त तो FPS तो कम मिलते ही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इससे तो जो FPS अभी मुझे मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छे FPS आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अब ऐसा करते हैं कि हम 900p पे खेल रहे हैं, तो हम यहाँ से सेटिंग थोड़ी और बढ़ा के देखते हैं। ये हाई है, ये अभी इससे ऊपर नहीं जा रही है सेटिंग, ये ऑन है, इससे भी ये मैक्सिमम है, ये भी। तो टोटली ऑल सेटिंग्स हम हाई नहीं कर सकते हैं, जो है वो पूरी ऑन है 900p। तो इसमें गेम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप देख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस गेम को आपको 1080p भी खेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और चाहे तो 900p भी और कर लीजिए अगर किसी से गले वगैरह दिखता है आपको गेम में, या फिर आपको CPU वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ अब 720p टेस्ट और कर लेते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि उसकी ज़रूरत है। तो एक बार हम मैक्सिमम सेटिंग्स पे हैं और 900p, तो हम अब 720p पे जाके देख लेते हैं कि कितने FPS तक और बढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे FPS मिल रहा है, लेकिन हमें चेक तो करना ही है। तो 720p 1280 720, 720, ठीक है। तो 720p और मैक्सिमम हाई सेटिंग्स। तो यहाँ भी हमें 60 FPS ही दिख रहे हैं। ये समझ लीजिए कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा FPS मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो 60 FPS तक ही रिकॉर्ड कर पाएगा। बाकी समझ लीजिए कि आप अगर 720p और हाई सेटिंग्स पर गेम को खेलते हैं, तो आपको लगभग करीबन 100 के ऊपर ये
तो दोस्तों मुझे लगता है कि 720p ज़्यादा खेलने की नौबत नहीं आने वाली है। अगर आपके पास GT 1060 है और फुल एचडी डिस्प्ले है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए हम सेटिंग्स को वापस 1080p कर लेते हैं। और हाई सेटिंग्स। Try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Assassin, help! You're going down. तो ठीक है दोस्तों, ये था गेम प्ले टेस्ट डिसोनर्ड और GT 1060 पे काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपके पास GT 1060 ग्राफिक कार्ड है या आप लेने की सोच रहे हैं और आप चाहें इस पर डिसोनर्ड खेलना है तो आप फुल एचडी पे 1080p हाई सेटिंग्स में खेल सकते हैं और आपको करीबन 50 से 60 FPS मिल जाएंगे। और अगर आपके पास एक i3 8GB रैम है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक छोड़ दीजिएगा और ये पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय।